दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। कैंटोनमेंट बोर्ड के आने वाले चुनावों के मद्देनजर चुनावी उम्मीदवारों द्वारा जलंधर कैंट में नामांकन पत्र भरे गए। इस दौरान वार्ड नंबर 5 के हरविंदर सिंह पप्पू, वार्ड नंबर 1 से संजीव त्रेहन, राम अवतार और भारत बसरा, वार्ड नंबर 2 से कुलभूषण अग्रवाल, भूषी अनिल दुग्गल, राजेंद्र राजू, वार्ड नंबर 3 से पुनीत कौर, सपना शर्मा, वार्ड नंबर 5 से राजेंद्र कुक्की, स्नेहा गुप्ता द्वारा नामांकन पत्र भरा गया। इसके साथ साथ सभी उम्मीदवारों ने सनातन धर्म रामा मंदिर में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। चुनाव अधिकारी पुनीत भारद्वाज द्वारा सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दर्ज किए गए। चुनाव आयोग द्वारा जानकारी दी गई है कि 15 तारीख को नामांकन पत्र की जांच होगी। 16 तारीख तक जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वे ले सकते हैं और 16 तारीख को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी सौंपे जाएंगे। इस मौके पर बलदेव राज नारायण जी, मीना कमल, गुरशरण सिंह टक्कर, अभिषेक बत्रा, जगदीश चंद्र, राजीव पराशर, विक्की, विजय चौहान, आनंद टोनी, शेंटी, नीरज सहगल, राजीव सहगल, अश्विनी चौहान, लकी चड्डा सहित अन्य समर्थक अपने अपने उम्मीदवारों को समर्थन देने पहुंचे। आज वार्ड नंबर 4 तो नॉमिनेशन पर है। मेरे नाल मेरे पूरे समाज के बंदे, पूरी मेरी वार्ड के बंदे ने आज मेरे नाल आके घुमा के मेरे नॉमिनेशन पर है। मैं इन्हों का त्याग का शुक्रगुजार हाँ, जिदा मैं अगर मेहनत करता रहा, इन्हों मिलकर इन्हों का काम करता रहा, अगे भी इन्हों जुड़ के काम करा, इन्हों की सारिया जो तकलीफा का पूरा मैं मैं पुनीत कौर चड्डा वार्ड नंबर 3 तो कंटोनमेंट बोर्ड तो इलेक्शन लड़ रही हूँ। मैं आज नॉमिनेशन फॉर्म भर के आई हूँ। मैं सारे दी वोट एंड सपोर्ट चाहिए है। मैं सब दी प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करांगी। मैं डस्टबिन, ब्लॉकेज, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स दा करांगी। जो नेटवर्क प्रॉब्लम मस्ट आज कल है उसनों मैं सॉल्व करूँगी। पुनीत कौर चड्डा ने वार्ड नंबर 3 तो अपने नॉमिनेशन कागज भरे ने। मैं इस मौके पर सारे वार्ड वासियों का छूनी वासियों का तह दिलों धन्यवाद करता हाँ, जिन्होंने अपना पूरा सहयोग साडे परिवार को दिता है। अगों तो भी मैं ये आस रखता हाँ कि इदा का ही सहयोग के आशीर्वाद साडे परिवार को देंदे रहेंगे। आज जो जिंदर छोनी तो कंटोनमेंट बोर्ड के वास्ते सारे ही मैंबरस के जिन्हें भी कैंडीडेट वार्डा तो है उन्होंने आज नोमीनेशन फाइल की। आज वो पुनीत कौर जेडे कि वार्ड नंबर 3 तो उन्होंने अज नोमीनेशन अपनी फाइल की और जिदा जो अज छोनी वासियों ने जा वार्ड वासियों ने उन्होंने जिदा प्यार दिखाया है जा सहयोग दिता है उदा ही वो सहयोग असी उन्होंने को 11 जनवरी वाले दिन भी एक एक मोर जी पुनीत कौर के हक पवा के इन्हों वार्ड का मैंबर बनाइए। आज कैंट बोर्ड के जो चुनाव होने वाले हैं आज नॉमिनेशन का दिन था तो आज वार्ड नंबर 3 से हम सब ने जितने भी वोटर हैं वार्ड नंबर 3 के सब ने मिल करके पुनीत कौर चड्डा जी को अपना जो है उम्मीदवार चुनाव के लिए हम लोग गए थे और मैं सारे वार्ड वालों से ये विनती करता हूँ कि जिस समय जिस प्रकार सारे देश में बदलाव की राजनीति चल रही है उसी प्रकार वार्ड में ही बदलाव आना चाहिए क्योंकि आज जलंधर कैंट के हरविंदर पप्पू जी जो कि MC दे कैंडीडेट इतों खड़े हुए ने 5 नंबर वार्ड के असी हिंदू शिव सेना वालों इन्हों की पूरी सपोर्ट करते हैं तो ये भी कहने कि 5 नंबर वार्ड के जल्द तो जल्द सारा जिहड़ा भी काम रुकिया होया है कारपोरेशन का वह वधिया तरीके दे नाल कराणगे। अज वार्ड नंबर 5 दी जिहड़ी के फार्म भरन की प्रक्रिया कैंट बोर्ड दे विच शुरू हुई है। सारी ही वार्डां दे कैंडीडेट जिहड़े हैगे आ वह फार्म भरन लई इत्थे पहुँचे आ। असी सरदार हरविंदर सिंह पप्पू जिहड़े कि वार्ड नंबर 5 दे उम्मीदवार है जिन्हां ने पहले भी 5 साल कौंसलर रहे ने इस वार्ड के और बहुत ही वार्ड के अच्छे काम इन्होंने किए हैं और असी आस करते हैं भी ये इस वार्ड तो जित के और बहुत वधिया काम जड़े आ रुके आ जड़े कैंट बोर्ड के वो सारे करवाएंगे। राम अवतार अग्रवाल जलंधर छावनी के जो 11 जनवरी को चुनाव हो रहे हैं उसके लिए वार्ड नंबर 1 से अपना नाम पत्र कंटोनमेंट बोर्ड में भरने जा रहा हूँ। मैं सारी छावनी वासियों से एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो छावनी के बीच में कंटोनमेंट का कोई भी जो काम होगा जो छावनी की जनता पिछले 10-12 सालों से पिस रही है उस काम को मैं पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ और छावनी के बीच में जो कई सालों से पूरे हिंदुस्तान में चुंगी खत्म हुई है कैंट में चुंगी अभी तक लगी हुई है उस चुंगी को भी मैं ख़त्म करूँगा। जिन्हें मेरे भैन भरा इतने आए हैं मैं सब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं इलेक्शन
कोई सियासत करके नहीं लड़ना है, मैं इलेक्शन लड़ना है कैंट की आम पब्लिक वास्ते, उन्हां दी समस्यावां वास्ते। मैं चाहवांगा कि जिन्हें मेरे भैन भरा है मेरे नाल ही रहन, इन्हां दे आशीर्वाद नाल जे मेरी जीत बन सके तो मैं इन्हां लई हर एक काम करन नूं तैयार हाँ। जय श्री राम जी। आज वार्ड नंबर 2 से मैं भूषण अग्रवाल नामांकन पत्र भरने जा रहा हूँ। जो 11 तारीख को चुनाव होने हैं उसके उपलक्ष्य में ये जितनी भी जनता मेरे साथ जो एक साथ चल रही है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और सदा ही करता रहूँगा। हमने बोर्ड पे भी एक ही चीज़ लिखाई है जी कि मैं नहीं हम सारे एक साथ होकर चलेंगे। जो भी विकास कार्य जो भी रहते हैं गलियों में कहीं पे भी किसी वार्ड में भी कोई विकास कार्य जो नहीं हुआ वो इस बार कराने की दिल में तमन्ना है, इसी करके ये झंडा लेके हम चले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहनों ते भराओ नमस्कार, मैं सपना शर्मा वार्ड नंबर 3 तो अपना नॉमिनेशन फिल करन आई हाँ। मेरे नाल मेरे सारे भैन भरा भी आए हुए ने। मेरे पति देव दे अच्छे कमां दे कारण मैनू अज लेडी वार्ड होने होन करके इस वार्ड तो खड़े होने का मौका दिता गया है। जिस तरह मेरे पति ने इस वार्ड के सारे काम बड़े सुचारू रूप में किए हैं, आशा करांगी तुसी सब मेरे को ये आशा रख सकते हो कि मैं भी ये सारे काम बड़े सुचारू ढंग ही करांगी। जिन्हें सुविधाएं असी पब्लिक नू देना चाहते हैं वो कैंट बोर्ड के मुलाजमान के सहयोग नाल मैं हर बंदे नू सुविधा प्रदान करांगा। जय हिंद। मैं स्नेह गुप्ता वार्ड नंबर 7 से सेवा करने का मौका चाहती हूँ, इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मैं हमारा मेन टारगेट है वहाँ की डेवलपमेंट करना, वहाँ लेडीज़ को एजुकेट करना, गाइड करना और बच्चों को एजुकेशन की वैल्यू बताना। नंबर 2 नामांकन पत्र जलंधर कंटोनमेंट बोर्ड के लिए जा रहे हैं। मेरा जो मेरे समर्थक आए हैं उन्होंने धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा मुख्य मुद्दा है कि जोड़ी जनतक समस्या जी मोटे लैके उन्होंने समस्या का हल करना। सब तो बड़ी प्रॉब्लम है जलंधर सोनी मोबाइल टावर की है, स्टेशन बैंक लोन बंद हो पे है। इस मतलब की समस्या को मतलब कि मैं हल करा जाने की प्रयास करूँगा बोर्ड के अपना जी हो समस्या है लोगों को लैके आऊँगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। अज जो कि 12 तरीक मैं वार्ड नंबर 5 तो नॉमीनेशन भरन जा रहा और सारे मेरे वार्ड के लोग फिर इन्होंने कहा कि दूसरी बारी मैं इतों मौका लै रहा और इन्हों की सेवा अगे भी की है 5 साल और होर इन की मैं सेवा जो मेरे काम मेरे को रह गए हैं वो मैं कराँगा। और मैं सारे अपने वार्ड मैंबर जोड़े मेरे सपोर्टर है उन्होंने बेनती करता कि वो तो वह जिनी हो सकती मेरी मदद कर और मैं सत्तों वार्डों जिन्हें भी कैंडीडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं मैं उन्होंने कहना बड़े सुख शांति और आराम के नाल ये इलेक्शन होवे। काफ़ी काम वैसे हो चुके हैं जोड़े कुछ रह गए हैं हूँ दोबारा मैं उन्होंने पूरा करने की कोशिश करूँगा। जय श्री राम। बरखा कनौजी, आप मैं सबसे पहले अपने एरिए में सुधार लाना चाहती हूँ जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लोगों की इतनी कंप्लेंट्स है ना नाली और उन चीज़ों के लिए जिनको हम देख ही नहीं सकते। मैं चाहती हूँ कि उनका सबसे पहले सुधार हो, यानी कि जो शिकायतें मुझे आई सबसे पहले मैं उनको ख़त्म करना चाहती हूँ। जन सुधार के लिए मैं कार्य करना चाहती हूँ। उस दे विच वार्ड नंबर 6 तो जौली जी, भारत अटवाल जी, पंडित रोशन लाल जी इलेक्शन लड़न के लिए अज फार्म भरे जा रहे हैं और वार्ड नंबर 6 का बड़ा स्नेह है और आने वाले जो युवा नेता के रूप में जौली जी लोगों की समस्यावान के प्रति बड़े उदासीन हैं और उन्होंने हल करने के लिए जिन्होंने एक कदम चुकया है। पर मैं एक ऐसी कैटेगरी का इंसान जो कि एक नंबर वार्ड चो जनरल वार्ड के इलेक्शन लड़न आया वहाँ, मैं सारे भाईचारे लैके तुरना चाहना हाँ। मैं सारे भाईचारे के नाल हर इंसान के नाल मैं मोढ़े ना मोढ़ा ला के तुरूँगा। अज कैंट बोर्ड के